नीला मात्सल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास जो गुलाब है वो पिंक कलर का है और इसका फ्लावरिंग देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं पहले आपको दिखा देती हूँ इसमें कि मेरा जो फ्लावरिंग है हो रहा है इसमें, वो अभी पूरा खिला हुआ नहीं है। मैं आज इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए सोची हूँ कि खिला हुआ गुलाब को तो आपको मैं बार बार दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं इसी तरह से दिखाऊँ कि इसमें कितना सारा ग्रोथ और इतना सारा फ्लावरिंग और इतना सारा फूल, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इसमें फूल आता है दोस्तों। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों, जो इतना फूल आता है एक ही पेड़ में, देखिए कितना सारा सगरो चारों तरफ से आएगा आपको नज़र। मैं उधर दिखा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इसको रेलिंग पर रखी हुई हूँ तो उधर साइड में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती। तो जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपको पास गुलाब है और सर्दी के मौसम में अगर गुलाब में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो सोचनीय बात हो जाती है दोस्तों कि क्यों, आखिर क्यों, कैसे फ्लावरिंग नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर चाहे तो आपका प्लांट बिल्कुल छोटा हो तो ऐसा हो सकता है, अगर छोटा भी रहेगा तो भी अभी का सीज़न में आपका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा देता है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको प्लांट में है तो आप कमेंट द्वारा हमको बता सकते हैं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इसको बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं उसको बता सकती हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ही पेड़ है मेरे पास, इसको बार बार प्रूनिंग करती हूँ और इसको बार बार मैं प्रूनिंग करती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा लचोर हो जाता है दोस्तों। और देखिए कितना सारा फूल एक ही पेड़ में है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, कभी ठंड के मौसम में इसको बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने के लिए सबसे पहले तो इसको गुड़ाई करनी पड़ती है और नवंबर से पहले इसको प्रूनिंग आप कीजिए, अक्टूबर में आप इसको प्रूनिंग कर दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका लचोर पौधा है तब उसको हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर कम है तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग के बाद आपको क्या होगा कि नया नया जो ब्रांच आएगा और जितना ही ब्रांच रहेगा आपको उतना ही फ्लावरिंग देगा। अब उसको आपको फ्लावरिंग ज़्यादा लेने के लिए आपको क्या करनी है कि थोड़ा सा आप सरसों खली लीजिए और सरसों खली के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि उसको पानी में डिप कर दीजिए। और कितना लेना है, अगर आपका पॉट 12 इंच का है या 16 इंच का है तो आप एक टुकड़ा जो होता है दोस्तों, एक टुकड़ा आप उसको ले लीजिए। एक टुकड़ा लेने के बाद क्या करनी है दोस्तों कि उसमें थोड़ा सा एक मग पानी लीजिए और उसमें आप डिप कर दीजिए और दो तीन दिन के लिए छोड़ दीजिए। और जैसे ही कि दो तीन दिन हो जाएगा दोस्तों तो आप उसको क्या करना है कि आप उसको सिर्फ नीम जो आता है डीएपी को आप 4-5 दाना उसमें डाल दीजिए और घोल के उतना ही पानी मिला दीजिए। अब पानी मिलाने के बाद जो पौधा है आपका, पहले उसमें गुड़ाई कीजिए, गुड़ाई करने के बाद आप ऊपर से लेके मतलब जड़ तक डाल दीजिए, भर दीजिए पूरा पानी। ऊपर से छिड़काव नहीं करनी है, मनो जड़ के पास मनो पूरा ऊपर तक डाल देनी है। तो यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों कि 4-5 दिन में ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी आपको लगेगा भी, और उसमें ब्रांच भी आ जाएगी और इतना सारा ब्रांच आएगा कि जैसे मेरा फूल देखिए कितना सारा है। मैं तो इसको रोज़ वाटर बहुत बनाती हूँ क्योंकि ये देसी रोज़ है और इतना ज़्यादा है, आपको फ्लावरिंग भी होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप पौधा को लगाइए और हमेशा गुड़ाई करते रहिए। देखिए जैसे कि मेरा पॉट है तो ये 16 इंच का है, इसमें हमेशा गुड़ाई कीजिए और इसको जो भी मिट्टी होनी चाहिए दोस्तों, देखिए बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए ताकि आपको हाथ में लगे नहीं। आप इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए कि बंधा जाएगा लेकिन आपको एक ठो हाथ में लगेगा ही नहीं। तो इसी तरह से आपको बनाना है दोस्तों। और दूसरा काम क्या करना है कि उसके बाद एक दो दिन के बाद आप क्या करिएगा कि जो सूखी हुई चाय की पत्ती रहती है दोस्तों, उसको आप इसमें 2-3 चम्मच डालकर मिट्टी में मिला दीजिए। तो इसको साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे पास देखिए गेंदा का प्लांट है, ये कितना बड़ा बड़ा साइज है इसमें देख सकते हैं आप। मैं हर एक तरह के पौधा रखती हूँ दोस्तों, देखिए मेरा साइज कितना बड़ा बड़ा है।
और सभी तरह का पौधा है, जैसे कि डहेलिया भी अभी खिली रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना पौधा को बचाइए और इसको खूबसूरती को आनंद उठाइए और इसको आप आंगन में अपना शोभा बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ भी फूल रहता है मन मोह लेता है दोस्तों। और गुलाब तो ऐसा चीज़ है कि आपको गुलाब को देख कर ऐसे ही आकर्षित हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। रेड कलर का गुलाब हो या जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास बहुत तरह की गुलाब है, ऑरेंज है, पिंक है, बटन रोज है, सभी तरह के आपको गुलाब मिलेगा दोस्तों। तो आप अगर फूल फूल को चाहत रखते हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। और कोई भी पौधा हो उसको थोड़ा सा मेहनत करिएगा तभी वो बड़ा होगा, और उसको मेहनत का फल बाद में मिलता है दोस्तों। पहले तो आप नर्सरी से ला के पौधा लगाइए, और हाँ, जब भी नर्सरी से पौधा आप लगाइएगा तो उसको आप छोटा पॉट में लगाइए, बड़ा पॉट में कभी मत लगाइए। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तभी आप उसको बड़ा में गमला में शिफ्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही मुझे हिम्मत देगी कि आगे मैं वीडियो और बनाऊं और ज़्यादा खोज करूं क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।